तो मम्मी कह रही थी कि बाहर से खाना मंगवाएंगे, लेकिन वी एंडेड विथ दिस। हमने घर पे ही खाना बना लिया, मम्मी ने, मैंने नहीं, मम्मी ने खा लिया मम्मी खाना, बहुत बढ़िया। तो मैं भी सो के उठा हूँ और मेरा फेस आपको दिख रहा हो, एकदम स्वेलिंग वेलिंग आ रही है, बढ़िया। तो अभी हाथ मुँह धोते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं, थोड़ा कुछ खाते हैं और फिर बाहर निकलते हैं। आज भी कहीं जाने का प्लान है तो पहले रेडी हो जाते हैं। तो मैं रात को वीडियो को एक्सपोर्ट पे लगा के सो गया था, तो वीडियो तो एक्सपोर्ट हो गई, लेकिन उसके बाद मैं रात को उठा एक बार फिर से और वीडियो को अपलोड लगा के सो गया। लेकिन जब मैं सुबह उठा तो लैपटॉप भी बंद मिला, और उसके अलावा इंटरनेट वाला जो कनेक्शन होता है लैपटॉप के अंदर, वो मेरे पता नहीं कुछ प्रॉब्लम है उसके अंदर, तो इंटरनेट हो गया डिस्कनेक्ट और वीडियो 4% पे ही अटक गई। चाय बन के आ गई, अभी मम्मी की कुछ समस्या है वो उसका समाधान करते हैं। अच्छा, तो मैंने क्या फ़ोटोज़ लगाई थी थोड़े टाइम पहले, तो इनका क्या है कि पता नहीं सीज़न के अकॉर्डिंग इनका कलर उड़ गया थोड़ा, बट एक ये वाली फ़ोटो, दूसरी ये वाली और तीसरी ये वाली, इन तीनों का कलर नहीं उड़ा, बाकी सबका कलर उड़ गए, मतलब बेकार हो गई हैं सारी। तो मम्मी कुछ कह रही थी, हाँ मम्मी कह रही थी इस फोटो में, ये वाली फोटो ऐसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, जैसे पास में एक लड़की बैठी है और उसके पीठ पे हाथ रखा हुआ है जबकि वो कैमरा है। ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा मम्मी, पता नहीं कहाँ से मैं दिल करती है। और मम्मी एक चीज़ और कह रही थी कि लाइक इनका सबका कलर उड़ गया अभी है ना, तो इनको लगा है करीबन हो गया है मोटा मोटा एक साल के अप्रॉक्स, हो गए एक साल नहीं छः महीने के अप्रॉक्स निकल गए, तो इनका कलर उड़ गया, तो फोटोज़ का कलर निकल जाता है अगर सीजन्स ऊपर से निकलते हैं। तो मम्मी कह रही है कि जब बारिश आएगी तो वापस से जब ह्यूमिडिटी का मौसम आएगा तो फिर से इनका कलर आ जाएगा क्या अरे बाप रे, ऐसा नहीं होता मम्मी ऐसा नहीं होगा, कलर नहीं आएगा। तो बैग पैक हो गया है विद एक्स्ट्रा बैटरी, और ये ले लिए पानी की बॉटल, अभी चलते हैं यहाँ से, चलते हैं। भैया का डीजे हाँ। सो गाइस, मैं पहुँच गया हूँ पहाड़ पे, तो अभी मैं ऊपर चढ़ाई करने वाला हूँ, बट इससे पहले मैं आपको लोकेशन बताता हूँ कौन सी है। तो ये है सिरोली गांव, सिरोली गांव इधर है थोड़ा इसके पीछे, ये वाला जगतपुरा एरिया है जहाँ पे मैं रहता हूँ। तो मैं इधर से आया हूँ, अभी इधर मेरा घर है, अभी सनसेट का टाइम है, तो जब तक मैं ऊपर पहुँचूँगा तब तक एकदम सूरज ढल जाएगा नीचे की तरफ, और यहाँ पर खदान है, पत्थर काटे जाते हैं यहाँ पर, मतलब पहाड़ गिराते हैं, पत्थर काटते हैं और पत्थर कंस्ट्रक्शन में काम आते हैं। तो ऐसी कुछ जगह है और इसके ऊपर बहुत ही अच्छा व्यू आता है और ठंडी ठंडी हवा रहती है और मज़ा आता है मतलब ऊपर जाने का। मैं एक बार पहले आ चुका हूँ, चलो गाइस चलते हैं। तो यहाँ पे जब मैं सबसे पहली बार आया था तो मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ, तो जब मेरे पास गोप्रो नहीं था तो मैं फ़ोन से ही ब्लॉगिंग करता था। किसी ने अगर मेरा एक पहला वाला ब्लॉग देखा हो यहाँ का, अगर जिसने मेरा चैनल की पूरी वीडियोस देखी होंगी उसको पक्का वो पता होगा। तो जब मैं आया था तो मैंने फ़ोन यहाँ छाती के बांध रखा था कुछ जुगाड़ लगवा के, उसके बाद जब मैं आया तो वहाँ पे एक भैया बैठे थे जहाँ पे जहाँ से अभी मैं आया, तो मैं थोड़ा घबरा गया कि भैया पता नहीं जाने देंगे नहीं जाने देंगे ऊपर, पर पता नहीं था कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, कोई भी आ सकता है कोई भी जा सकता है, तो कैसे भी जो जहाँ पे बैठना चाहे बैठ सकता है आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैंने जाके भैया से रिक्वेस्ट की कि भैया मैं ऐसे ऐसे आया हूँ काफ़ी दूर से और मुझे कुछ वीडियो शूट करना है तो मैं बैठ जाऊँ, तो पहले तो भैया ने मना करने लग गए थे, फिर पता नहीं अचानक चलो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम बैठ जाओ,
तो मैं बैठा उस टाइम पे, यहाँ पे भी पहाड़ हुआ करता था, अभी इन्होंने काट दिया है पूरा, अब सीधा वहाँ पहुँच गया पूरा पहाड़। लास्ट टाइम आया था तब भी था यहाँ तक, अभी पूरा काट दिया है, अभी चढ़ने का जुगाड़ इधर से है, आई थिंक यहाँ से गाड़ी भी चढ़ जाती है। तो मैंने इसका सुपर वाइड मोड ऑन कर लिया है ताकि मैं चढ़ूँ तो ठीक से देख पाऊँ, आपसे बात कर पाऊँ, सभी जगह ध्यान भी रख पाऊँ और मैं गिरूँ भी ना। तो ये काफ़ी तीखी चढ़ाई है, बट आई थिंक यहाँ पे ये लोग ट्रक वगैरह चढ़ाने लग गए, यहाँ पे रास्ता बना दिया उन्होंने पूरा। बट इसके ऊपर एक और पहाड़ है, वहाँ पे आई थिंक रास्ता नहीं होगा मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि वो बिल्कुल स्ट्रीट चढ़ाई है। आई थिंक यहाँ पे एक मंदिर भी होना चाहिए, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम आया था तो मैं एकदम कंप्लीट ऊपर जा नहीं पाया था, काफ़ी लेट हो गया था, लेकिन इस बार पूरी कोशिश करूँगा। कभी भी चढ़ो तो अपना वेट पीछे नहीं रखना चाहिए। अब जो कुछ लोग होते हैं ये गंदगी फैला जाते हैं, ये फैला जाते हैं, और देखो व्यू कुछ ऐसा है खूबसूरत। वहाँ भी गया था मैं लास्ट टाइम, उधर बहुत ज़्यादा कीचड़ है, मतलब ऐसा है कि अगर आप गिर गए तो आपके आधे पैर तो घुस ही जाएंगे, इतना ऐसा कीचड़ है उधर। सनराइज़ इधर से होता है, उस टाइम तो बहुत ही बेहतरीन लगती है वाली जगह। पहले मैं जाऊँगा वहाँ पर, उसके बाद फिर वहाँ से उतर के वापस इधर चढ़ेंगे अपन। हाँ चलो चलते हैं। एंड दिस इज़ द व्यू, ये है सिरोली गांव पूरा नीचे का, और वो है मंदिर जिसकी मैं बात कर रहा था सामने, और हमको जाना है ऊपर टॉप पे, और ये है व्यू जगतपुरा का। यहाँ चल रही है पार्टी, पार्टी चल रही है। अरे यार करो करो, काफ़ी खूबसूरत जगह है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे पूरा गांव और ये पूरा खाली एरिया है। इधर से मैं अभी आया हूँ और मेरे को जाना है अभी इधर, तो मैं डायरेक्ट चढ़ाई करने वाला हूँ यहाँ से। मैं चढ़ रहा हूँ और मुझे सामने देखना पड़ेगा, बिकॉज पत्थर हैं छोटे छोटे, बाकी यहाँ चिकनी मिट्टी है तो इतना स्लिपरी नहीं होता है, बारिश के दिनों में तो चढ़ना आई थिंक इम्पॉसिबल होगा, नंगे पैर या फिर कैसे भी चढ़ना। मुझे पता नहीं था सच में इतनी खूबसूरत जगह, बिकॉज पिछली बार मैं इतना ऊपर आया नहीं था, जिस जगह से मैं आया था वो देखो पूरी, मैंने इशारा किया था ना यहाँ से कि मैं यहाँ से भी चढ़ सकता हूँ वो जगह पूरी, और वहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी है। एंड जगह तो बहुत ही खूबसूरत है, नो डाउट। आपको आवाज़ आ रही होगी ची करके, हाँ तो ये होती है, एक इतना सा होता है ये इतना सा, तो ये बहुत तेज़ चिल्लाता है, ये बारिश के मौसम के बाद चिल्लाने लगता है, तो अभी दो चार बार बारिश हो चुकी है यहाँ पे। अब मैं आपको एक्चुअल में व्यू दिखाता हूँ जगतपुरा का, बिकॉज यहाँ से आई थिंक परफेक्ट व्यू मिल जाएगा। फाइनली मैं उस कर्व पे आ गया जिसके नीचे पूरी खुदाई हो चुकी है ऑलरेडी, और अभी मैं एकदम पीक पे खड़ा हूँ यहाँ पे, लेट मी शो यू। तो सबसे पहले तो जगतपुरा ये है पूरा, ये नया मॉडर्न जगतपुरा है, और ये भी अंडर डेवलपमेंट है पूरा, वो पुराना जगतपुरा है, इट्स पार्ट ऑफ जयपुर, जो जयपुर एक्सपेंड हो रहा है वो यही है पूरा, और अभी मैं आगे जा नहीं पाऊँगा, लेकिन आपको दिखा सकता हूँ दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे अभी खड़ा हूँ। तो यहाँ पे पूरा नीचे तक पूरा खुद चुका है, ये चढ़ने में तो चढ़ गया लेकिन अब उतरने में मेरे पैर फिसल रहे हैं। स्पाइडरमैन ही बन गया मेरा। कोई बात नहीं, आई नो हाउ टू डील विद इट। हमें क्रॉस उतरना पड़ेगा, बिकॉज सीधा उतरने में रिस्क रहता है। तो जो शूज़ मैंने पहने हैं ना वो हाइकिंग के हिसाब से तो बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा। मुझे पता नहीं था मैं ऐसी सिचुएशन में फंस जाऊँगा, लेकिन स्टिल आई विल ट्राई। बिकॉज बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पत्थर हैं, और देखो आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ, छोटे छोटे पत्थर हैं, और ये अगर यहाँ फिसला दूँ मैं नीचे चला जाऊँगा,
जब ऐसी जगह फंसो ना तो कोशिश करो अपना वेट एकदम पीछे रखने का और धीरे धीरे उतरने का। सबसे ब्यूटीफुल थिंग जिसके लिए मैं आया हूँ दैट इज़ सनसेट। सनसेट के लिए ही आया हूँ मैं आज यहाँ पे, बिकॉज़ अभी देखो आपको सामने पेड़ दिख रहा होगा हल्का हल्का हिल रहा है, तो अभी यहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही है और उसके साथ सनसेट का इन्जॉयमेंट देख के ही मज़ा आ जाता है पूरा। सो इट्स ऑल अबाउट टुडे। मुझे तो बहुत मज़ा आया और सच बोलूँ तो मुझे ये चीज़ें करने में बहुत मज़ा भी आता है, अलग ही फील होता है, अलग ही मज़ा आता है, अलग ही एक्सपीरियंस होता है। हर टाइम जब भी हम बाहर जाएंगे इस चीज़ें करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। एंड आई एम ब्लेस्ड कि मेरे घर के पास में हिल है, अच्छा लगा मुझे भी बहुत। चलो वापस नीचे चलते हैं, आटा घुस गया। सही, तो अब मैं टाइम रैप लगाने वाला हूँ, तो मैं जितनी स्पीड से ऊपर आया था ना उसे 4 गुना स्पीड से नीचे जाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरी देखना और जो भी चैनल पर नया है वो सब्सक्राइब करना, और ये आपको कैसा मजा आया सब देख के कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कर देना। चलो नीचे चलते हैं। सो अभी मैं बिल्कुल नीचे पहुँच गया हूँ जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। पीछे मैंने गाड़ी खड़ी की थी और जहाँ से आपने भैया के ट्रक का आवाज़ सुना था तो अभी घर जा रहा हूँ मैं, तो मुझे जस्ट उतरना है यहाँ पे नीचे और सीधा निकल जाऊँगा अपने घर की तरफ। सो मुझे बहुत मज़ा आया, आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट्स में बता देना, और प्लीज़ वीडियो पूरी देखना और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर देना और प्यार बांटते रहो, अच्छे रहो, सबकी हेल्थ अच्छी रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, विल मीट इन नेक्स्ट व्लॉग वेरी सून। थैंक यू सो मच।